जी हाँ दोस्तों, नए साल पे कुछ इस तरह के पोस्टर को बनाना चाहते हो तो आप कैसे बना सकते हो इस वीडियो में जानते हैं, और साथ ही यहाँ पे अपनी फोटो को कैसे ऐड करना ये भी आपको बताने वाले। तो वीडियो को कम्प्लीट देखना, इसमें जो भी कुछ एडिट करना चाहते हो इस पोस्टर में आप बहुत ही आसानी तरीके से एडिट कर सकते हो। तो कैसे करना है सारा प्रोसेस इस वीडियो में जानते हैं। तो कुछ इस तरह के पोस्टर को बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगा जिसका नाम है पिक्सल है। तो प्ले स्टोर में आने का सर्च कर लेना है पिक्सल है, और जैसे ही सर्च करोगे तो उसका इंटरफेस कुछ इस तरह के देखने को मिलेगा। तो इस तरह के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करोगे तो कुछ इस तरह के इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, तो उसके बाद बता दो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीएलपी फाइल डाउनलोड लिंक मिलेगा। तो मैं अपने उस लिंक को कॉपी कर रखा हूँ, तो क्रोम ब्राउजर में जाता हूँ, उसको लिंक को पेस्ट करता हूँ। तो जैसे कि मैं अपनी क्रोम ब्राउजर में आने के बाद उस लिंक को पेस्ट करता हूँ, और पेस्ट करते ही कुछ इस प्रकार के इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे ही आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीएलपी फाइल डाउनलोड लिंक है, उस लिंक पर क्लिक कर लो और यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपको वीडियो को इन तक देखना है, उसके बाद आपको वीडियो में कहीं पर भी पासवर्ड मिलेगा, उस पासवर्ड को यहाँ पे इंटर करने का इसे ओपन अनजिप कर लेना है। जैसे ही फाइल को अनजिप करोगे तो आपको पिक्सल ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे ही पिक्सल ऐप को ओपन करोगे तो आपको थ्री डॉट पे क्लिक कर लेना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद ओपन द पीएलपी फाइल पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद कुछ इस तरह से आपकी फाइल अनजिप होने के बाद कुछ इस तरह से एडजस्ट मिलेगा। अगर यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है तो आपको फाइल पे पीएलपी फाइल पर क्लिक कर लेना है, और पीएलपी फाइल पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको पिक्सल ऐप में चले जाना है। जैसे कि यहाँ पे पिक्सल ऐप देखने को मिला, इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो आपको कुछ इस तरह से क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ऐड टू ऐड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से आपकी गैलरी में यहाँ पे नहीं हो पाया तो मैं आपको फिर से करके दिखाता, तो कुछ इस तरह से आपकी गैलरी में एडजस्ट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, तो अपनी फोटो को लगाना चाहते हो तो यहाँ से इस फोटो को सिलेक्ट कर लेना, और सिलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है और आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो आपकी गैलरी में जहाँ पे भी फोटो है उस फोटो को सिलेक्ट करना है, जो भी फोटो यहाँ पे इस पोस्टर में लगाना चाहते हो। तो मैं आप सबको दिखाने के लिए कोई सा भी फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे कि मैं इस फोटो को सिलेक्ट कर लिया, इस फोटो इधर घुमा हुआ है तो मैं इधर घुमाना चाहता हूँ जो कि अच्छा लगे, तो इधर यहाँ से क्लिक करके इसे घुमा सकते हो। उसके बाद सही वाले बटन पे क्लिक कर देता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि फोटो के पीछे से ऐड हो चुका है, और यहाँ पे अपनी फोटो को सही से एडजस्ट कर देना जिससे कि आपका फोटो अच्छा तरह से देखने को मिले। लेकिन उससे पहले बता दूँ कि ये फोटो आपकी पीएनजी होनी चाहिए। अगर पीछे पीएनजी फोटो नहीं होगा तो आपका फोटो नहीं सही से एडजस्ट होगा। तो अगर आपका पीएनजी फोटो बनाना नहीं आता तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप बहुत ही आसानी तरीके से देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसका नाम है पीएलपी फाइल पीएनजी कैसे बनाए। तो बस आप उस वीडियो को देख लेना, तो आप बहुत ही आसानी तरीके से किसी भी फोटो का पीएनजी बना सकते हो। और साथ ही यहाँ पे अपनी नाम को चेंज करना चाहते हो तो इस पर डबल टैप करके यहाँ पे अपनी नाम को भी चेंज बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे डबल टैप करोगे तो आपको पीएनजी किसी भी तरह से, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, तो अपने नाम को भी बहुत ही आसानी तरीके से चेंज कर सकते हो। तो मैं नहीं करना चाहता हूँ तो नहीं करता हूँ। आप इसमें जो भी कुछ एडिट करना चाहते हो बहुत ही आसानी तरीके से एवं बहुत ही अच्छे तरह से आप देखेंगे तो आप इसमें बहुत ही आसानी तरीके से कर पाओगे। और साथ ही यहाँ पे बता दो कि आपका जब पोस्टर अच्छा तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो उसे इस पर क्लिक करके इसे सेव कर लेना है। तो सेव करने के लिए इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको तीन ऑप्शन या दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे तीन ऑप्शन देखने को मिला, लेकिन आपको दो भी ऑप्शन मिल सकता है। तो सेव एज इमेज देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे कस्टम साइज देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपकी अल्ट्रा को सिलेक्ट करना है जिससे कि आपका फोटो एकदम हाई क्वालिटी में सेव हो। और सेव होने के बाद आपको यहाँ पे सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना है जिससे कि आपकी गैलरी में सेव हो जाए। तो मैंने पहले से ही बना रखे हैं तो मैं यहाँ से सेव नहीं करता हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो में आपको कोई सा भी दिक्कत आता हो तो हमें कमेंट करके जरूर बता देना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ऑल पे सिलेक्ट करना, क्योंकि आपको यहाँ पे हर रोज न्यू वीडियो देखने को मिलता है। और एवं पोस्टर एवं किसी भी तरह से दिक्कत हो तो आपको एडिटिंग से वीडियो देखने को मिलता है। तो न्यू वीडियो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।